अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स CS610 की जो फाइनल टर्म लेक्चर्स हैं ना, आज हम उनको स्टार्ट करने वाले हैं। और हम शार्ट लेक्चर्स यहाँ पे देखेंगे, तो हमारा जो फाइनल टर्म है वो स्टार्ट होता है लेक्चर नंबर 23 से। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपके क्वेश्चंस किस तरह आते हैं आपके पेपर में। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट या क्विज फ्री में सॉल्व करवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारे पास है फर्स्ट है, हमने यहाँ पे बात करनी है यूनिवर्स सर्विस के बारे में। तो फर्स्टली हमारे पास है द मोटिवेशन फॉर इंटरनेट वर्किंग। यहाँ पे हमारे पास देयर इज़ नो सिंगल नेटवर्क टेक्नोलॉजी डैट इज़ बेस्ट फॉर ऑल नीड्स। अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट नीड्स मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क्स। तो यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं हुई, इन्वेंशन नहीं हुई कि हम उसको यूज़ करते हुए एक ही फिज़िकल नेटवर्क को यूज़ करके अपनी तमाम नीड्स को पूरी कर सकें, अपने तमाम डाटा को ट्रैवल कर सकें, अपने तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कम्बिनेशन करवा सकें। तो इसलिए जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें मल्टीपल फिज़िकल नेटवर्क्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमारे पास लैन और वैन का कंसेप्ट आता है, वो मैं आपको आगे शेयर करता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सर्विस। तो यहाँ पर आपके पास आता है कि अ कंप्यूटर अटैच्ड टू अ गिवन नेटवर्क कैन ओनली कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स अटैच्ड टू द सेम नेटवर्क। अब यहाँ पर वो हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर हमें बताता है कि कंप्यूटर है वो एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट है और वो कम्युनिकेट भी कर रहा है, क्योंकि वहाँ उस नेटवर्क के साथ बहुत से कंप्यूटर जो है ना कनेक्ट हैं, लेकिन वो तब तक कम्युनिकेट करेगा जब तक नेटवर्क जो है ना वो सेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके घर में अगर फाइबर का इंटरनेट लगा हुआ है तो वहाँ पर फाइबर की डिवाइस जो है वो लोकल इंटरनेट की जो वायर है उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। इस तरीके से जो फाइबर की वायर के साथ लोकल कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकती, यानी कि हमें सेम नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है अपने किसी भी चीज़ को रन करने के लिए। इसके बाद आपके पास MCQs आता है कि इन द 1970 लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिगेन टू एक्वायर मल्टीपल नेटवर्क। सो 1970 में ये शुरुआत हुई कि हम मल्टीपल नेटवर्क को स्टार्ट करें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल सर्विस, अ कम्युनिकेशन सिस्टम डैट सप्लाई यूनिवर्सल सर्विस अलाउ आर्बिट्री पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट। यहाँ पर आता है हमारे पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि यूनिवर्सल सर्विस है ना उसको सप्लाई करता है, ताकि हमारे जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं ना वो आपस में कनेक्ट हो सके। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल सर्विस। इसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ पे हमारे पास शार्ट इंपॉर्टेंट शार्ट MCQs और क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास है यूनिवर्सल सर्विस इन अ हेटरोजीनियस वर्ल्ड। तो आपने याद रखना है कि हेटरोजीनियस वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि एक्सटेंशन तकनीक सच एज ब्रिजिंग कैन नॉट बी यूज विद हेटरोजीनियस नेटवर्क बिकॉज ऑफ इनकम्पेटिबल पैकेट्स फॉर्मेट्स। तो वो कहता है कि एक्सटेंशन तकनीक है ना जो ब्रिजेस की तकनीक है, उसमें हम हेटरोजीनियस नेटवर्क को यूज़ नहीं करते, उसमें हेटरोजीनियस नेटवर्क यूज़ नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि वो इनकम्पेटिबल पैकेट फॉर्मेट्स हैं, उसके जो फॉर्मेट्स हैं ना वो इनकम्पेटिबल हैं। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी तकनीक है जो हेटरोजीनियस नेटवर्क को यूज़ नहीं करती। तो उसका आंसर है एक्सटेंशन तकनीक सच एज ब्रिजेस। और आपके पास वो रीज़न पूछेगा तो आपने बताना है बिकॉज ऑफ इनकम्पेटिबल पैकेट फॉर्मेट्स, क्योंकि उनके जो फॉर्मेट्स हैं वो इनके साथ सेम नहीं होते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक्सटेंशन कौन से फॉर्मेट यूज़ करते हैं, तो आपने बताना है कि पैकेट के फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाती है इंटरवर्किंग। इंटरवर्किंग के बारे में हम बात करेंगे, इंटरवर्किंग क्या चीज़ होती है। यूनिवर्स सर्विस अमंग हेटरोजीनियस नेटवर्क्स, हेटरोजीनियस नेटवर्क्स पे जब हम यूनिवर्स सर्विस जो है अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनेट वर्किंग। आपने याद रखना है कि जब आपके पास इंटरनेट वर्किंग आएगा तो इट्स मीन होगा कि बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी मैं आपको बताऊँ कि इंटरनेट वर्किंग और नेटवर्किंग में क्या फ़र्क होता है, वही इन दोनों में डिफरेंस है जो एक लैन और वैन में डिफरेंस होता है। वो क्या चीज़ होती है, आपने जो नेटवर्किंग होती है ना वो किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक प्लेस, एक स्कूल हो गया, एक ऑफिस हो गया, एक हॉस्पिटल हो गया, यानी कि एक स्पेसिफिक प्लेस पे वो काम करती है जो आपकी नेटवर्किंग होती है, जैसे कि एक लैन होती है। और आपकी जो इंटरनेट वर्किंग होती है वो आपकी वर्ल्ड वाइड होती है, जिस तरीके से आपका एक इंटरनेट है इसके साथ बहुत से कंप्यूटर जो अटैच हैं तो आप वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो नेटवर्किंग होती है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही काम करती है। तो ये चीज़ होगी हमारी इंटरनेट वर्किंग और नेटवर्किंग।
इसके बाद हमारे पास आ जाती है फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन विद रूटर्स। आप यहाँ पे हम रूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अ रूटर इज़ अ स्पेशल पर्पस सिस्टम डेडिकेटेड टू द टास्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क्स। एक रूटर क्या चीज़ होती है? आपने रूटर जो है एक स्पेसिफिक सिस्टम है जो कि हमारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा कि हम जब घर में वाईफाई यूज़ करते हैं तो हमारी डिवाइसेस पड़ी होती हैं, अब वो हमारे निक बोर की डिवाइसेस भी होती हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम सारे जो है ना एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। तो जब आपकी जो डिवाइसेस होती हैं ना, आपने देखा होगा कि वो एक पीछे एक रूटर के साथ कनेक्ट होती हैं, जिसमें 7-8 डिवाइसेस जो है ना कनेक्ट हो जाती हैं। तो वो जो रूटर है ना, वो यानी कि हमारे नेटवर्क्स को इंटरकनेक्टिंग करने के लिए यूज़ होता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रूटर, जो कि हमारे इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क्स पे यूज़ होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इंटरनेट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेट आर्किटेक्चर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सेल्डम यूज़ अ सिंगल रूटर। आपने याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन सेल्डम जो है वो सिंगल यूज़र को इस्तेमाल करती है, यूज़ करती है। और इसकी रीज़न क्या है, वो आपके पास रीज़न आपसे पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज अ रूटर मस्ट फॉरवर्ड ईच पैकेट द प्रोसेसर इन अ गिवन रूटर इज इनसफिशिएंट टू हैंडल द ट्रैफिक। हमारे पास जो हमारा रूटर होता है ना, वो हो सकता है एक टाइम में एक पैकेट को सेंड करे, तो हमारा जो आगे प्रोसेसर लगा होता है जो रिसीव करता है, तो वो उसके पास वो हैंडल नहीं कर सकता ट्रैफिक को जो हम सेंड करते हैं। ट्रैफिक का मीन है जो हम पैकेट्स को सेंड कर रहे हैं, वो हैंडल नहीं कर पाता। एक तो वजह ये है कि हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो दूसरी रीज़न क्या है कि रिडंडेंसी इंप्रूव्ड इंटरनेट रिलायबिलिटी, के इसमें डुप्लीकेशन का ख़तरा नहीं होता है, यानी कि हम डुप्लीकेट चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि डुप्लीकेशन होने से बच सकता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं सिंगल रूटर को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड बाय रूटर्स। अब जो इंटरनेट होता है ना, वो बहुत से रूटर पे कंसिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डिवाइसेस लगी होती हैं, हमारी डिवाइसेस पीछे लगी होती हैं रूटर के साथ, और रूटर जो है पीछे एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। यानी कि जो इंटरनेट है वो कंसिस्ट होता है बहुत से रूटर्स पे। इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ सेट ऑफ नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड बाय रूटर्स। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आ रहा है अचीविंग यूनिवर्सल सर्विस। यहाँ पर आपने एक चीज़ यूज़ रखनी है कि यूनिवर्सल सर्विस में ना वर्चुअल नेटवर्क यूज़ होता है, बाकी यहाँ पर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास लेयरिंग एंड TCP/IP प्रोटोकॉल्स। तो आपने याद रखना है कि TCP/IP प्रोटोकॉल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 कंसेप्शनल लेयर्स। TCP/IP प्रोटोकॉल्स की 5 लेयर्स होती हैं, जो हमने CS601 में पढ़ी और यहाँ पे प्रीवियस में भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन कौन सी लेयर। तो आपके पास ये लोगों को सुना सकता है कि TCP/IP की जो प्रोटोकॉल्स की जो लेयर है ना, उनके नाम बताएं और उनका जो है वर्किंग बताएं। तो आपने याद रखना है कि इनके जो नाम है ना, वो है फर्स्ट है आपके पास फिजिकल, सेकेंड है नेटवर्क, थर्ड है इंटरनेट, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, और फिर है एप्लीकेशन लेयर। अभी आपने इसको याद ये इस तरीके से भी रखना है कि आपसे वो इस तरीके से भी MCQs पूछ सकता है कि नेटवर्क की जो थर्ड लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नेटवर्क इंटरनेट कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज़मीन पे होगी यानी कि फिजिकली होगी, उसके बाद नेटवर्क की होगी, उसके बाद जो होगी वो इंटरनेट की होगी, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट आपका डाटा ट्रांसपोर्ट होगा, फिर लास्ट पे आप एप्लीकेशन में उसे यूज़ करेंगे। तो आपने इस तरीके से इनको यूज़ कर लेना है। और इसके बाद इनकी वर्किंग लिखी गई है। फर्स्ट लेयर आपकी किस चीज़ के लिए होती है? कॉरस्पॉन्डिंग टू बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर लेयर, ये हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, फिजिकल इनके मतलब से ही यूज़ हो रहा है। सेकंड लेयर कितनी होती है कि आपने डाटा को फ्रेम्स में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, हमने डाटा जो सेंड करना है ना उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज देनी है, उसको तरतीब किस तरीके से देनी है। थर्ड जो है वो स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ पैकेट्स एंड अक्रॉस एज इंटरनेट एंड फॉरवर्ड पैकेट्स। थर्ड जो है ना, वो पैकेट्स के कंसेप्ट को फॉलो करती है कि हमने पैकेट्स जो है ना, हम डाटा को ट्रैवल पैकेट्स की सूरत में करते हैं, तो वो एक पैकेट सेकेंड पैकेट या कई जो होती हैं वो कई पैकेट्स को यूज़ करती हैं, तो उस चीज़ के लिए इंटरनेट की होती है। उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट की फेयर। फोर्थ है हाउ टू इंश्योर रिलायबिलिटी, ट्रांसफर के आपके ट्रांसफर कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, कुछ डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही, ट्रांसपोर्ट का यही होता है। उसके बाद लास्ट पे आ जाती है एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन की जो है लाइक 6 and 7 इन OSI मॉडल, इट स्पेसिफाइज हाउ वन एप्लीकेशन यूज़र, यानी कि एक एप्लीकेशन जो है वो आपकी किस तरीके से इंटरनेट को यूज़ करती है। वो आपके OSI मॉडल में आपकी 7 लेयर्स यूज़ होती हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि आप OSI में आपकी 7 होती हैं, लेकिन आपकी TCP/IP में आपकी होती हैं 5। तो आपकी ये 5 होती हैं, उनकी भी ये 5 वाली, फर्स्ट वाली तो 5 यही होती हैं, और उसके बाद उनकी 6 और 7 होती है जो कि एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ होती है। तो आपने इस चीज़ को देख लेना है।
उसके बाद ही आते हैं हमारे पास होस्ट कंप्यूटर्स, रूटर्स एंड प्रोटोकॉल लेयर्स। TCP/IP डिफाइन द टर्म होस्ट कंप्यूटर टू रेफर टू एनी कंप्यूटर सिस्टम डैट कनेक्ट टू एन इंटरनेट एंड रन एप्लीकेशंस। अब आपने देखा होगा कि होस्ट कंप्यूटर किस तरीके से होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने देखा होगा कि एक ऑफिस है, उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटरी होते हैं जिसने सारे के सारे ऑफिस का काम संभालना होता है, उसको मैनेज करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने उसने कुछ भी करना होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरीके से होती है। तो एक होस्ट कंप्यूटर जो होता है वो भी एक इसी तरीके से यूज़ होता है। कुछ जगह पर होस्ट कंप्यूटर यूज़ होता है, आप अपने वहाँ पर उसको होस्ट कंप्यूटर को आपको जो चीज़ रिक्वायर होती है उसको मैसेज सेंड करते हैं, वो वर्किंग करता है और आपको वो चीज़ प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से होस्ट कंप्यूटर जो है वो लेयर्स में भी यूज़ होता है मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद आपने देखना है कि बोथ होस्ट एंड रूटर्स नीड TCP/IP प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर। आपने याद रखना है कि होस्ट और रूटर दोनों को TCP/IP प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, लेकिन जो है ना आपका रूटर जो है उनको यानी कि लिंक 5 प्रोटोकॉल के यानी कि जो 5 वाली लेयर है ना उसको इसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको यानी कि एप्लीकेशन की वाले की ज़रूरत नहीं होती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।